कम टू रैन बीटीएस। ओह ये क्या है, ये तो स्टील से बने हुए लग रहे हैं। नहीं ये स्टील से बने हुए नहीं है, हाँ ये एल्युमिनियम शीट से बने हुए हैं। तो आज के एपिसोड का नाम क्या है? आज का रैन बीटीएस एपिसोड होगा नॉस्टैल्जिक सॉन्ग। ओह पुराने बच्चों के गाने, बच्चों के गाने। ओ मेरे प्यार तुम मेरे दिल में रहते हो। तो आज का एपिसोड होगा पुराने गानों के बारे में। तो आज की पेनल्टीज और अनाम होंगे, इन्हें आप बदल भी सकते हैं। हम इन्हें आज के गेम के हिसाब से बदलेंगे। हाँ क्या? अरे नहीं, आरन के पास पेनल्टीज होंगी पहाड़ पे चढ़ना और ट्रैवल को क्रॉस करना। जिनके पास अपनी पेनल्टीज किसी और को देना, ट्रैवल को क्रॉस करना। जिनके पास पहाड़ पे चढ़ना टावर को क्रॉस करना, जीरो के पास टावर को क्रॉस करना और जिमिन के पास पहाड़ पे चढ़ना टावर को क्रॉस करना। वी के पास एक दिन के लिए विश करना टावर को क्रॉस करना और जेके की पेनल्टीज होगी अपनी पेनल्टीज किसी और को देना या विश करना। हमारे पास बहुत सारी पेनल्टीज है, हमें इनको बदलना चाहिए। ये लोग जो सबसे ज्यादा बातें करते हैं इन्हें ही सबसे ज्यादा पेनल्टीज मिलती है। वी मगर मैं तो हमेशा खामोश रहता हूँ और मुझे भी पेनल्टीज मिलती है। हाँ मैंने देखा। जो लोग अपनी पेनल्टीज को बदलना चाहते हैं वो लोग हाथ ऊपर करें। ओ मैं भी हूँ, चलो मैं भी हाथ अपना ऊपर करता हूँ। मैं तो कुछ दिन पहले ही अपने दोस्त के साथ इस पहाड़ पे गया था। अगर मैं अपना हाथ ऊपर करूँ तो सारी पेनल्टीज मुझसे भाग जाएंगी ना। हाँ ओ चलो चार लोग हो गए। ओ यस चलो डिसाइड हो गया। तुमने हमें बचा लिया। चलो ठीक है, आप चार लोगों की पेनल्टीज बदल भी जाएंगी। बिल्कुल, ये गेम हारेगा उसे मिलेगी आपके डिसाइड की हुई 6 पेनल्टीज में से कोई 1 पेनल्टीज। आप नोटा टावर के पहाड़ पे परमिशन टू डांस पर डांस करना चाहेंगे? मुझे लगता है हम इस पहाड़ पे पहले भी जा चुके हैं। हाँ इसलिए हमें टावर क्रॉसिंग चुनना चाहिए। क्या हम लोग किसी छत पे नहीं डांस कर सकते? क्या ब्रिज को क्रॉस करना बहुत ज्यादा डेंजरस है? हाँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंचा है। ओ चलो मैं गूगल बाबा से पूछ लेता हूँ। ओ ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ऊंचा है। हाँ मुझे भी दिखाना। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, ये तो 541 मीटर लंबा भी है। चलो फिर टावर क्रॉसिंग को ही चुनते हैं। हाँ जो हारेगा वो अकेला ही जाएगा। नहीं नहीं जो हारेगा वो अपने साथ एक मेंबर को और लेके जाएगा। हाँ ये ठीक है, जो हारेगा वो अपने साथ एक मेंबर और ले जाएगा। ये तो बहुत बुरी बात है। कोई कैसे जाएगा किसी के साथ? नहीं जो हारेगा वो ही डिसाइड करेगा किसे किसके साथ लेके जाना है। अरे वाह फिर तो और भी मजा आएगा। आज जो मेंबर हारेगा उसे अपने पार्टनर के साथ इस ब्रिज को क्रॉस करना है। राउंड होगा प्रैक्टिस गेम, इसमें आपको बच्चों के गाने गेस करने हैं। ओ बच्चों के गाने गेस करने हैं। चलो सभी अपने कान खोल कर तैयार हो जाओ। गेम में बीटीएस को बच्चों के कार्टून के गाने गेस करके शो का नाम बताना है। जो ज्यादा जवाब देगा इसे अगले गेम के लिए एक एडवेंचर मिलेगा। ये सॉन्ग सुने और कार्टून शो का गेस करके नाम बताएं। ओ बच्चों के गाने जिन जिन वी और डिजिमन एडवेंचर। सही जवाब। ओ ओह जी तुम इस गेम में अच्छे हो, पर ये तो एक प्रैक्टिस गेम था ना। हाँ अरे मुझे नहीं पता। अरे वो हमें पता चल गया इसे कैसे खेलना है। चलो जिनको एक पॉइंट दे ही देते हैं। नहीं नहीं ये रूल था कि पहला गेम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगा। हाँ पहला गेम प्रैक्टिस के लिए था। जिनने हमें बता दिया इसे गेम को कैसे खेलना है। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। नहीं नहीं कुछ मत कहो, पर मुझे ये बोलना है। नहीं नहीं कुछ मत कहो, आगे बढ़ो। मुझे पता है वो क्या था। पिकाचू गलत। सुगा 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 पोकेमोन। सही जवाब। ओ ये पोकेमोन था। उफ मैंने ये रूल नहीं बताया। हाँ पर ये पोकेमोन कैसे हो सकता है? हाँ मैंने पहले कभी नहीं सुना, पर ये पोकेमोन ही है। ओ अच्छा तो ये यहाँ से शुरू होता है। तो ये वाला सॉन्ग था। शुक्रिया, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। शुरू के दोनों स्वर आसान थे। चलो आगे सुनते हैं आगे कैसा होता है। जंगकुक 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 सुगा 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 जेहोप 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 जिन 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 वी 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 फ्लाइंग सुपर बॉल। ओ सही जवाब। ओ क्या ये प्रैक्टिस गेम नहीं था? देखो अगर जिन बाहर जाता है तो आपके पास अच्छा मौका होगा जिन के साथ बाहर जाने का। नहीं नहीं सबके लिए दुआ करो बस। आरम तुम तो आज बहुत हेल्दी लग रहे हो और तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। शुक्रिया। जिस वालों के जवाब दिए बहुत दिन हो गए तो मैंने यूं ही अपना हाथ ऊपर उठा लिया। हाँ मैंने भी यूं ही अपना हाथ ऊपर उठा लिया, मगर मेरा जवाब तो कुछ और ही था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? सुगा सुगा मेरा स्टेप स्टिकर। आपका जवाब गलत है। जिन आरम यंग सिंह रॉन्ग। जंगकुक जे हो जवाब रणहनी है क्या? ओ गलत, मैं भी यही बोलने वाला था। वैसे क्या हमें एक बार फिर से सुनना चाहिए? जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं
क्या था वो, मुझे शो का नाम याद नहीं आ रहा। क्या था, एक दफा की बात है। देखो मुझे तो आखिर के दोनों का याद है। बताओ बताओ जिन, एक दफा की बात है, एक शेर था। नहीं वाला, हाँ मुझे लगता है मुझे जवाब पता है, इसमें छह लफ्ज़ थे ना। ओह मुझे पूरा यकीन नहीं है, मगर कुछ कीकी जैसा था ना। ओहो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चाचा जी है क्या? आरएम, बहुत सालों पहले की बात है। अरे आरएम ऐसा कुछ भी नहीं है। वी, बहुत बहुत सालों पहले की बात है। गलत, चलो थोड़ा और सुन लेते हैं, सच में मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। ये क्या था? लड़की झाड़ू पे उड़ती है, ये उड़ी है ना? नहीं नहीं ये वो नहीं है। अरे वो मिस्टर गोभी या मिस्टर मुड़ी, बुरा मत मनाइएगा, कुछ ऐसा ही था। तो ये एक दफा की बात है, इसका क्या मतलब है? इसमें एक दफा की पहले की बात है कि आगे भी कुछ आता है क्या? मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाया गया, क्या गाने के लिरिक्स में है क्या? ओ एक दफा की बात है पिंकी मुंकी, नहीं एक दफा की बात है, एक दफा की बात है हमारी कहानी। नहीं नहीं ये एक इंसान है, ये नाम बी पे खत्म होता है। ओ कौन सी फैमिली से ताल्लुक है उनका? जिन, आरएम, आरएम जिन, गोभी गोभी, एक दफा की बात है, आरएम इंडिगो भी, एक दफा की बात है, सही जवाब। ओ ये शुक्र है, ये सही जवाब था, ये दोनों ही लफ्ज बी पे खत्म हो रहे थे। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये मैंने कैसे गेस कर लिया, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। हाय अल्लाह ये तो जवाब सही था। ओ आरएम यू आर सो कूल, हां इंडियन गोभी। ये क्या था, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। शुगा शुगा बॉम्पटी बो रॉन्ग। नहीं नहीं ये वो वाला नहीं है, ये छोटा बहुत नहीं है क्या? अरे ये सभी सॉन्ग में मेरे दोस्त क्यों बोलते हैं? हाँ हर गाने में मेरे प्यारे दोस्त क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बचपन में सभी प्यारे होते हैं और दोस्त होते हैं। जी हम जंगो जंगो तारों से आया गोभी, नहीं क्या गाने में कैर भी सुनाई दे रहा है? सुगा सुगा गोभी का बड़ा एडवेंचर, सॉरी गोभी एडवेंचर। क्या वो गोभी नहीं था? एक मिनट, इसमें गोभी है या गोभी, ये गोभी क्या है? जंगो जंगो मेरा दोस्त गोभी, नहीं मेरा प्यारा दोस्त गोभी, नहीं ये दोस्त से रिलेटेड नहीं है।